नमस्कार आदाब, मैं हूं अफजाल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अफजाल व्लॉग वाले। दोस्तों फिलहाल मैं खड़ा हूं अभी कटरा डिस्ट्रिक्ट सरावस्ती में और ये हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये है एयरपोर्ट। तो कई दिनों से क्या कई सालों से सुनने में आ रहा है और रिसेंटली कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एयरपोर्ट बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ऑलरेडी एयरपोर्ट बना हुआ है और थोड़ा सा सुनने में ये आ रहा था कि थोड़ा सा और बढ़ा के बनाया जाएगा। और पीछे एयरपोर्ट के पीछे अलहावा गांव है, तो कई आसपास के गांव का भी नाम आया था। ये गांव टूटने वाला है, जो कि ये खबर मुझे सोशल मीडिया पे देखने को मिला था और कई जानने वाले मेरे अलहावा गाँव में रहते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था कि हम लोग कहाँ जाएँगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि टूटेगा और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, ये फैक्ट हो गया, कोई काम नहीं टूटेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वीडियो जहां से आप लोग देख रहे हैं, अगर इसके बारे में कोई भी फैक्ट जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वहां पे जो रह रहे हैं लोग, काफ़ी लोग तो परेशान हैं कि जैसे अगर हमारा घर टूट जाएगा, किसी के पास खाली घर है, खेत नहीं है, कुछ गरीब हैं, कुछ लोगों के पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, हर जगह ऐसे रहते हैं। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कोई भी अगर इसके बारे में फैक्ट नॉलेज है, सही जानकारी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये एयरपोर्ट काफ़ी सालों से सुनने में आ रहा है कि अब शुरू होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये कब शुरू होगा, वो वक्त ही बताएगा कब शुरू होगा। कई लोग तो बाहर विदेश में रह रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सरावस्ती का एयरपोर्ट शुरू होगा तभी मैं आऊँगा यहाँ पर, डायरेक्ट लैंड करूँगा। लेकिन उन लोगों से मेरा डायरेक्ट ये कहना है कि आप लोग इसका इंतज़ार मत करिए। अगर आप लोग ज़्यादा टाइम से बाहर रह रहे हैं तो आप लोग आइए, लखनऊ उतरिए, लखनऊ से बाई रोड आइए, अपने घर परिवार से मिलिए, इसका इंतज़ार न कीजिए। बाकी अगर ये शुरू हो जाए, बन के रेडी हो जाए, जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए और चालू हो जाए तो ये बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ता है। यहाँ से जाएँगे अगर लखनऊ तो 4-5 घंटा ले लेता है रोड, और अगर यहाँ चालू हो जाएगा डायरेक्ट अगर मुंबई जाना है किसी इमरजेंसी काम में तो आधे घंटे में 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।